नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं सफल हो जाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भोगता है, और अपने अकेले नर्क और स्वर्ग जाता है। भगवान मूर्तियों में नहीं, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपका आत्मा मंदिर है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। शिक्षा सबसे अच्छे मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को भी परास्त कर देती है। जैसे ही भय आपके करीब आए, तुरंत उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, तब आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पे आ जाती है, तब आप क्या कर पाएंगे। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपनी राज दूसरों को मत बताएं, और बताएंगे तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। पहले 5 सालों तक अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 सालों में डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए, तो उसे अपना मित्र की तरह व्यवहार करिए, क्योंकि आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। हर मित्र के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसके पीछे स्वार्थ ना हो, यह एक कड़वा सच है। वैश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करती, और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिसपे फल ना हो। सांप के फन, मक्खी के मुंह और बिच्छू के डंक में जहर होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ है लगाव। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जो अपने चिंतन में रहता है, वो अपने करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है, वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है, क्योंकि मृत्यु तो बस एक बार के दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो, क्योंकि ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं दे सकती। जब आप किसी काम की शुरुआत करें, तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वह सबसे प्रसन्न होते हैं। सेवक को तब परखे जब वह काम ना करता हो, रिश्तेदारों को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में, और पत्नी को घोर विपत्ति में। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है, तो उसे किसी और की जरूरत नहीं। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है, तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या जरूरत। अपना धन उन्हीं को दी जो उसके योग्य हैं, और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्पित है। यह सत्य की शक्ति ही है जो सूर्य चमकता है और हवा वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर है। वो चीजें जो ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और उसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना अपना धन। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है, वह लालची लोगों को बेचैनी से ही इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह बेकार है जैसे कि कोई कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है और ना ही उसे कीड़े मकौड़ों का डंग से बचाती है।
एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो यह है कि व्यक्ति जो भी कुछ करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। सारस की तरह बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य की जानकारी समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुँचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता और दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रतिकोणा से फैलता है उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर से जटा जूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपके आपके सदगुरु के ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्जे से मुक्त कर सके। जो आज स्वच्छ पर्दे पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं है, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्य उदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, वह लक्ष्मी की कृपा से हमेशा वंचित ही रहेगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र और पत्नी और नौकर संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो यह सब लौट आती है। इसीलिए दौलत ही सबसे अच्छी रिश्तेदार है। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जो कुछ अच्छा काम भी करता है तो उसका अधिकार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से हुई। विष पीना नुकसानदायी है लेकिन भगवान शंकर ने जब विष का नाश किया तो विष उसके गले का अलंकार हो गया। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है। खुद से प्रेम होता है वह नहीं जो बुद्धिमता है जो पाप करने से रोकती है, और वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को पैर की धूल के परा हुआ रखता है और घास को सर पे धारण करता है, और ऐसा करने से रत्नों का मूल कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्व नहीं बढ़ती। तथा जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। शास्त्रों का ज्ञान आगात है, दो कलाएं अनंत जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी समय के चमचे के समान है जिसे अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दिव्य विद्यमान है, उसका क्या हर्ष होता है जब वह सूर्य के घर जाता है अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह थी आचार्य चना की कुछ ये बेहद अनमोल विचार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।